देखें कितने अफसोस की बात है कि आज जो कराची में वाकया हुआ, जिसके अंदर उस वालिद को जो अपनी बेटी को लेकर जा रहा था 7 साल की, उसके सर में गोली लगती है, हमारी JDC की एम्बुलेंस में ही वो मूव होती है और उसके बाद मालूम होता है जी बच्ची तो ऑन द स्पॉट शहीद हो जाती है और बाप जख्मी है अस्पताल में। कितने अफसोस की बात है कि आज ये पोजीशन हो गई है। इतनी डकैतियां बढ़ चुकी हैं कराची की रौनकें, रोडों पर जो चाय के होटल या लोगों ने जो अपने छोटे मोटे कारोबार शुरू किए हैं, छोटी छोटी फास्ट फूड की दुकानें खोली हैं, सब रात में वीरान होती जा रही हैं। लोग डर रहे हैं, एक साथ डकैत आते हैं, 6-6, 8-8 होटल लूट के जा रहे हैं एक साथ। कल वाला वाकया वो तो एक हैरत अंगेज बात है कि एक पूरी गाड़ी में इतने सारे लोग और इस तरह से तबाह बर्बाद। गाड़ी भी क्या बड़ी बस थी, आप बस थी उसमें लोग, जाहिर है इतने सारे 60-70 के करीब लोग थे। जफर भाई, शहर में हम पैदा हुए, पले बड़े, इनकी गलियों में ही भागे दौड़े, ऐसे तो गैर महफूज कभी भी नहीं थे जैसे आज हम लोग। ये भूख है, महंगाई है, मुफलिसी है, लाकानूनी। क्या होगा, कौन हमें संभालेगा, जिम्मा कौन लेगा हमारा। कि हमने जब इससे पहले वीडियो बनाई थी आज से एक हफ्ते पहले कि एक एक साथ डकैतों के ग्रोह 10-10 बाइकों में 20-20 लोग आ रहे हैं और क्लाशन कोफे लेकर आ रहे हैं, एक साथ फेडरल बीरिया के 6-6 होटल लूट रहे हैं और आखिरी होटल फिर कैफे प्याला जो बड़ा होटल है उसको भी लूट के जा रहे हैं। ना कोई पकड़ा जा रहा है, ना कोई गिरफ्तार हो रहा है, ना किसी का सामान वापस मिल पा रहा है, लोग खौफ का शिकार है। इतने गैर महफूज समझ रहे हैं, हम लोग सड़क पे नहीं निकल रहे हैं। अभी हम गाड़ी में आ रहे थे तो हमने अपना शीशा इसलिए बंद रखा कि कोई करीब से गुजरेगा तो कोई रोक ना ले गाड़ी को। कहां बासित, कौन सा इलाका तुम्हारा? दफर जोन। डकैतियों का रेशो क्या है? बहुत ज्यादा है, सुबह ही बाइक छीनी है गली से, चोरी हुई। तुम्हारे कल दो दोस्तों का जो गया है वो रेहान और उसका? जी जी, गली के कोने पे से गया। किस जगह? बफर जोन में, सेक्टर 3 में। देखिए, बाहर से आया हुआ, अमेरिका से आया हुआ, रेहान नाम है लड़के का, साफी है, आज TV में पहले नौकरी करता था, जर्नलिस्ट था, उसको भी लूट के ले गए। अफसोस कर सकते हैं, बस ये मैसेज है। देखिए, बच्ची जो आज गई है वो बिचारी का क्या कसूर था, स्कूल से आ रही थी, कहां से गोली आई, किसने चलाई, क्या हुआ, उसका राइट था, वो जिंदा रहती, वो खुशियां दिखती। जफर भाई, कसम से कभी जिंदगी में नहीं हुआ था कि दिल चाहता था कभी कि ये पाकिस्तान या ये कराची छोड़ दें। अब दिल बहुत नहीं नहीं, हम यहीं रहेंगे, हम सब यहीं रहेंगे इंशाल्लाह। परवरदिगार आलम वो दिन दिखाएगा जब यहाँ से लाकानूनियत खत्म होगी, डकैतियां खत्म होगी और हमारा वतन दुनिया में सबसे अच्छा वतन है, और ये बात हम दुनिया को दिखा देंगे इंशाल्लाह।